हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू minutesmenu.com। कैसे हैं आप सब? हमारे यहाँ पर आज हो रहा है बारिश वाला मौसम, तो आप सबके यहाँ भी आई थिंक बारिश हो रही होगी। तो किसके यहाँ बारिश हो रही है कमेंट्स में जरूर बताएं। आज मैं बनाने वाली हूँ एक मॉनसून स्पेशल रेसिपी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी स्पाइसी टोस्ट। नॉर्मली ये रेसिपी मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी बहुत ही फेवरेट है, और ये रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ ब्रेकफास्ट में या फिर टी टाइम के साथ ये रेसिपी बनाती रहती हूँ। तो जो जो हमें लाइक देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि लोग हमें देख रहे हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, वही चीजें चाहिए जो नॉर्मली हमारे घर में बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कटोरी बेसन, साथ ही ली हुई है कसूरी मेथी, इसको मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हींग और चॉप की हुई ग्रीन चिलीज। साथ ही हमने यहाँ पे लिए हुए हैं ब्रेड स्लाइसेस, जिसको हमने ट्रायंगुलर कट किया हुआ है, आप चाहे तो इसे रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। थैंक यू प्रीति, हाय कीर्ति, नेहा, अमन। हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, तो यहाँ पे ये इतने गरम हो रहा है और हम इतने यहाँ पे बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे साथ जो अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि हम आज बना रहे हैं स्पाइसी टोस्ट। क्योंकि ये बारिश का मौसम हो रहा है, तो कुछ हम स्पाइसी बना रहे हैं, कुछ गरम गरम बना रहे हैं। नॉर्मली हमें ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उसमें काफी ऑयल होता है, और उसमें हम ऑयल अगर हम ऑयल नहीं चाहते रेसिपी में, तो हम इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल यूज होता है। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। एक कटोरी बेसन हमने लिया है यहाँ पे, उसके अंदर हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, साथ ही टर्मरिक पाउडर डालेंगे। ये हमें बहुत ही थोड़ा सा डालना है, बस एक कलर के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्ट के साथ भी अच्छा लगता है। कसूरी मेथी ऐड करेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी हींग। हींग हम इसलिए डालेंगे ताकि ये थोड़ा डाइजेस्टिव बने। ग्रेट किए हुए अदरक, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, साथ ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ये भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अब हमें इसको एक मिक्सचर बनाना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमें बहुत ज्यादा रनी नहीं बनाना है और बहुत थिक भी नहीं बनाना है। थैंक यू कंचन, प्रीति एंड अमिता। आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगी और आप इसे कभी भी देख सकते हैं और फिर कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर थोड़ा और पतला हो जाए। तवा भी हमारा गर्म हो चुका होगा अब तक। अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस पे फिर ब्रेड चिपकेगी नहीं। तो हनी, सबको आप एक बार हाई कर दीजिए, बहुत हाई आ रहे हैं यहाँ पर। हाय सभी लोगों को जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और इस पे कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर बन चुका है, हमें इस तरह से मिक्सचर रखना है, इतना कंसिस्टेंसी का मिक्सचर होना चाहिए। आप बेसन भी और ऐड कर सकते हैं, पानी भी और ऐड कर सकते हैं मिक्सचर को परफेक्ट बनाने के लिए। तवा भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। ये रेसिपी डीप फ्राई करके नहीं बनाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे ब्रेड खाना भी अच्छा लगता है और मुझे बेसन से बनी हुई चीजें भी अच्छी लगती है, इसलिए रेसिपी मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट में। हमने तवे को ग्रीस कर लिया है, अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, उसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम
इस तरह से तवे पे रख देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसी तरह से हम बाकी स्लाइसेस भी रखेंगे। थैंक यू आशु। तो जो जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि हम बना रहे हैं स्पाइसी टोस्ट, जो कि हम बना रहे हैं आज बारिश के मौसम के लिए। तो किस किस के यहाँ हो रही है बारिश वो भी हमें जरूर बताएं, कहाँ कहाँ हो रही है बारिश। हमने इसके अंदर जो कसूरी मेथी डाली है उससे इसका कलर बहुत सुंदर आएगा, क्योंकि इसमें ग्रीन ग्रीन कलर की आपको कसूरी मेथी नजर आएगी। अब हम दूसरी तरफ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑयल लगाना है हमें बस, ताकि थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए इसके अंदर। इस तरह से हमें ऑयल लगाना है। इसमें हम ओनियन ऐड नहीं कर रहे हैं, ये नो ओनियन गार्लिक रेसिपी है। अगर आप चाहें, अगर आप खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इसे दोनों तरफ से सेकना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। अगर आपको वेजी टोस्ट चाहिए तो आप इस मिक्सचर के अंदर आप कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, आप टोमेटो ऐड कर सकते हैं, ओनियन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्लेन बना रहे हैं। हमने सिर्फ ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर ऐड किया है ताकि थोड़ा इसमें चिली फ्लेवर आए। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे फिर से। हम इसे प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बस आपको इसके अंदर से ग्रीन चिलीज निकाल लेनी है और इसमें कुछ वेजिटेबल्स आप ऐड कर दें तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो इसे शेयर कर लें, शेयर करने के बाद वो इसे दोबारा पूरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये लाइव वीडियो तो आप बैक तो कर नहीं सकते, लेकिन आप शेयर करेंगे आप इसे पूरी वीडियो को देख सकेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप आज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इसकी पिक्चर्स ले साथ साथ हमारे इस ग्रुप में इस रेसिपी को शेयर जरूर करें और हमारा ग्रुप इंडियन वेजिटेरियन रेसिपी बाय मीनूज मेन्यू उसे ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मीनूज मेन्यू। देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भी और खाने में तो ये होता ही बहुत अच्छा है। ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, 5 या फिर 10 मिनट में आप कह सकते हैं कि बहुत आराम से बन जाएगी। तो ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी आप बना सकते हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड से बनाई है एक तो हमने, तो इसमें हेल्दी भी है ये रेसिपी और आप इसे बहुत आराम से बना भी सकते हैं। तो सभी इस रेसिपी को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स तो करते रहें, आपके कमेंट्स देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। बच्चों को आप इसे टोमेटो केचप के साथ दे सकते हैं और आप खुद भी इसे कोरिएंडर मिंट लीव्स की जो चटनी होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इसमें ऑयल इतना ही कम लगा है कि आप देख सकते हैं एकदम ड्राई बने, इसमें कोई भी तरह का ऑयल नहीं, आपको कोई टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक्सेस ऑयल रिमूव करना पड़े, इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल इतना कम। जी हाँ, ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। बस अभी एकदम बन के तैयार है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं देखने में। तो कौन कौन खाना चाहेगा ये कमेंट में बताएं हमें। तो हमारे ये स्पाइसी टोस्ट बनके रेडी है और अब हम इसे खाएंगे, बाद में खाएंगे, आप भी बनाएं और आप भी खाएं। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और जिस जिसको ये वीडियो अभी देखनी शुरू की है वो इसे शेयर करें, आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।